आगामी जिलों में आयोजित होने वाली जनकपुरी महोत्सव को लेकर जनकपुरी समिति संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली से खासे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को समिति पदाधिकारी मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों से गुणवत्ता और समय पर रहते कार्य पूर्ण कराने की मांग की। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध आयोजनों में से एक जनकपुरी महोत्सव को लेकर ताजनगरी आगरा में तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद शहर में आयोजित होने वाले इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए आयोजन समिति दिन रात एक कर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर आयोजन में योगदान देकर इसको और भी भव्य बनाने में सहयोग देने वाले संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर इन दिनों आयोजन समिति ने उंगली उठाना शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी और लचर व्यवस्था के आरोप लगाते हुए जनकपुरी आयोजन समिति के पदाधिकारी बुधवार को मंडल आयुक्त अनिल कुमार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम, ADA, आवास विकास जैसे तमाम विभागों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। जनकपुरी महोत्सव शुरू होने में अब समय अधिक शेष नहीं बचा है, फिर भी विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। इस स्थिति को भांपते हुए बुधवार को मंडल आयुक्त अमित कुमार ने अपने कार्यालय में पहुंचे जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ टोरेंट, नगर निगम, ADA, पुलिस, जल स्थान और जल निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई। समिति पदाधिकारियों के मुताबिक इस बैठक के बाद मंडल आयुक्त अनिल कुमार ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे जनकपुरी महोत्सव समिति से मिले सभी प्रस्तावों के आधार पर तुरंत विकास कार्य पूरे करवाएं। देखिए, लगभग 1 महीने पहले हमने विकास कार्यों की पूरी लिस्ट संबंधित विभाग को दे दिए थे, जैसे ADA को, नगर निगम को, आवास विकास को, संबंधित सबको दे दिए थे, क्योंकि क्षेत्र के नागरिकों की अपेक्षा होती है कि जब जनकपुरी हमारे क्षेत्र में आए तो विकास कार्यों को भी गति मिले। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी हम नगर आयुक्त साहब से, VC साहब से हमारी बात हुई थी, ADA VC से, और आज भी कमिश्नर साहब ने हमें बुलाया था, और लगभग हमारे 42 प्रस्ताव थे क्षेत्र के, सड़क के, नाली के, खरंजे के, इसके बाद काफ़ी रिपेयरिंग थी, उसमें से लगभग 27 से 28 हमारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। तो हमारी थोड़ी सी उनसे और गुजारिश है कि जो बचे हुए जो प्रस्ताव हैं, जो महत्वपूर्ण एरिया हैं, जैसे सीता जी का डोला है और गणेश शोभा यात्रा निकलेगी, तो वो भी क्या कहते हैं, थोड़ी वरीयता के आधार पर वो भी प्रस्ताव पास हो जाए। जनकपुरी महोत्सव समिति के संरक्षक भरत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल आयुक्त अमित कुमार ने समिति को आश्वासित किया है कि सभी विकास कार्य समय पर पूरे कर दिए जाएंगे, जिसके बाद सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी पेड़ छांटे जाएं, डिवाइडरों पर रंग रोगन किया जाए, 100 फुटा दयालबाग रोड पर सड़क की मरम्मत समय से पूरी करवाया जाए। इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद गर्ग, संयोजक भरत शर्मा, SSP प्रभाकर चौधरी और टोरेंट के PRO भूपेंद्र जी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले हमें जो हमारी शोभा यात्रा है, उन शोभा यात्रा का रूट सही हो, क्योंकि महत्वपूर्ण गणेश शोभा यात्रा होती है हमारी, और सीता जी का डोला, एक तो वो जहाँ से वो निकले वहाँ की नाली सड़क खरंजे सही हो। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग है, जनक महल वाला मार्ग है, जो जहाँ पूरा 100 फुट है, लगभग वो 700 से 800 मीटर का क्षेत्र है, वो हो जाए। और पेड़ों की जो हम पहले दिन से 20-25 दिन से लगातार कह रहे हैं, पेड़ों की छटाई हो जाएगी, तो उससे क्या है कि वो लाइटों की व्यवस्था भी सही हो जाएगी, जो लाइट है पेड़ों के नीचे दबी हुई है। और जो 100 फुटा में जो डिवाइडर है उसकी भी पेंट हो जाए, उस पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। DG महाराजा न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट है।